प्यारे बच्चों, आज कक्षा 9वीं के गणित विषय के अंतर्गत हम प्रथम पाठ के रूप में संख्या पद्धति को लेंगे, क्योंकि यह गणित विषय है तो इसलिए हमारा अधिक से अधिक कार्य व्हाइट बोर्ड पर होगा, तो हम व्हाइट बोर्ड की ओर चलते हैं। संख्या पद्धति, जैसे कि पाठ का नाम है, इसे हम अंग्रेजी भाषा में नंबर सिस्टम भी कहते हैं। प्यारे बच्चों, संख्याओं से आपका वास्ता प्रारंभिक कक्षाओं से ही रहा है। जैसे ही आपने विद्यालय में प्रवेश लिया, तत्काल आपको संख्याएं सिखाई गई। आपने 1, 2, 3 गिनती की संख्याएं सीखी। आपने उन संख्याओं के ऊपर तमाम तरह की संक्रियाएं की। तो ये संख्याओं का संसार है, बड़ा रोचक संसार है। इसमें हम जितनी रुचि लेंगे उतना अंदर तक हम इन संख्याओं को सीखते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपसे यह भी अपेक्षा है कि गणित विषय को सीखते समय अंग्रेजी शब्दावली का भी आप प्रयोग करें। आपकी दोनों भाषाओं में, हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी शब्दावली पर भी पकड़ बनेगी, तो आपको आगे की उच्चतर कक्षाओं के अध्ययन अध्यापन में आपको इससे बहुत सहायता मिलेगी। तो संख्या पद्धति के अंतर्गत जिन संख्याओं से आप रूबरू हैं, वो हैं सबसे पहले प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं, या इन्हें हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। और नेचुरल नंबर्स को अंग्रेजी भाषा के अक्षर एन संकेत से प्रकट करते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर एन से स्टार्ट हो रहा है, इसीलिए इन संख्याओं के समूह को हम अक्षर एन से प्रकट करते हैं। इनके बारे में मैंने कहा, आप बखूबी जानते हैं। गणना की संख्याओं को हम प्राकृत संख्याएं कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। तो ये कहां से शुरू होती हैं? 1, 2, 3, 4, 5। आप कोई भ्रम नहीं रखेंगे अपने दिमाग। आपने देखा है, संख्याओं के रूप में आपने 1/2 भी पढ़ा है, संख्या के रूप में आपने 3/4 भी पढ़ा है, लेकिन ये संख्याएं गिनती में नहीं। कोई भी वस्तु 1/2 नहीं हो सकती। किताब होगी तो 1 होगी, आपके पास कॉपीज होंगी 4 होंगी, 6 होंगी, यानी कि पूरी पूरी संख्याएं। तो ये प्राकृत संख्याएं हम इनको कहते हैं। ये अनंत तक अग्रसर होती हैं। आप पिछली संख्या में 1 जोड़ते हैं तो आपको आगे की संख्या मिलती है, और हम कितना भी प्रयास कर लें, हम इसके अंतिम छोर तक कभी भी नहीं पहुंच सकते। तो हम ये कह देते हैं कि हमारे पास अनंत प्राकृत संख्याएं हैं। इसी क्रम में संख्याओं का दूसरा समूह जो हमारे पास प्राप्त होता है, वह है पूर्ण संख्याएं। अंग्रेजी भाषा में पूर्ण संख्याओं को हम शब्द होल नंबर्स कहते हैं। होल का अर्थ भी पूर्ण ही होता है। तो और इसको इसका पहला अक्षर W है, इसलिए इस समूह को प्रकट करने के लिए हम संकेत W का सहारा लेते हैं। तो W के अंतर्गत आने वाली संख्याओं को हम इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5। इसकी परिभाषा आप स्वतः बना सकते हैं कि जब प्राकृत संख्याओं के समूह में शून्य सम्मिलित कर दिया जाए, तो संख्याओं का जो नया समूह प्राप्त होता है, वह पूर्ण संख्याएं कहलाता है। आगे बढ़े, क्योंकि इन सब संख्याओं का अध्ययन आपने कक्षा 6, 7, 8 में भी करा है, तो यहां पर हम इसका एक क्विक रिकैप ले रहे हैं। अगला जो संख्याओं का समूह हमारे पास है, वो है पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याओं के संदर्भ में आपने बहुत सारी संक्रियाएं की हैं, जैसे कि आप प्राकृत संख्याओं या पूर्ण संख्याओं के ऊपर करते आए हैं। तो पूर्णांक संख्याओं से आपका परिचय है। पूर्णांक संख्याओं को हम अंग्रेजी भाषा के शब्द इंटीजर्स से व्यक्त करते हैं, लेकिन इसके लिए संकेत जेड का प्रयोग करते हैं। जेड, अब आपको लगेगा कि इंटीजर्स का पहला अक्षर आई है, आई क्यों नहीं? जेड इसलिए कि जेहलेन एक जर्मन भाषा का शब्द है जो कि जेड से शुरू होता है, जेहलेन, उसका पहला अक्षर जेड है, इसलिए इंटीजर्स के समूह को व्यक्त करने के लिए जेड संकेत का हम प्रयोग करते हैं। अब पूर्णांक संख्याएं, जैसे मैंने कहा, आप जानते हैं, आपको कुएं का दृश्य दिखा करके पिछली कक्षा में यह सिखाया गया था कि कैसे आप पूर्णांक संख्याओं की अवधारणा को अच्छे से समझेंगे, अच्छे से सीखेंगे। तो फिर भी हम जेड को किस तरह से प्रकट करेंगे, जेड समूह को,
जीरो इसके मिड में हो गया, बीच में हो गया, और क्रमागत 1, 2, 3, 4, 5 और ये अनंत तक। इसी क्रम में इन्हीं प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मक मानों को हम इधर सम्मिलित करते हैं, -1, -2, -3, -4 और ये भी अनंत तक। तो इसलिए हम देखते हैं कि जो पूर्णांक संख्याएं हैं उनको परिभाषित करने का एक रोचक तरीका ये भी हो सकता है कि समस्त प्राकृत संख्याएं प्राकृत संख्याओं की ऋणात्मक संख्याएं, और उसके साथ साथ जब हम शून्य को सम्मिलित कर देते हैं तो पूर्णांक संख्याएं हमारे पास प्राप्त होती हैं। आप देख रहे हैं इन संख्याओं में कहीं भी दशमलव का दशमलव के रूप में इनको व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन ये पूरी पूरी है क्योंकि इनके दशमलव अगर इस पे लगा भी दिया जाए, अब आपको कंफ्यूजन नहीं रखना है। मान लो मैं कह दूं 4, तो मैं इसको 4.00 लिख सकता हूं, लेकिन फिर भी इसका पूर्णांक मान है कि दशमलव के बाद जो इसका 10th है या 100th है या 1000th है वो सबके सब क्या है, 0 है। तो ये पूरी पूरी संख्याएं हैं, चाहे धनात्मक दिशा में हो चाहे ऋणात्मक दिशा में। इस समूह के दो और चीजें आपको इस बारे में बताना चाहूंगा, कई बार हम जेड प्लस संकेत का प्रयोग करते हैं, तो जेड के ऊपर जब संकेत प्लस सुपरस्क्रिप्ट के रूप में इस तरह से लग जाता है तो इसका आशय दरअसल आप बखूबी बता सकते हैं कि हमारा आशय अभी एन से ही है, प्राकृत संख्याओं के ही समूह से है। जेड प्लस का मतलब धनात्मक पूर्णांक संख्या है, तो धनात्मक पूर्णांक संख्याएं कौन हुई, 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर अनंत तक। इसी प्रकार अगर आपको जेड माइनस कह दिया जाए, जेड माइनस आपके पास ये संकेत दे दिया जाए, तो इससे क्या आशय आप लेंगे, हमारा इससे आशय सभी ऋणात्मक पूर्णांकों से अर्थात -1, -2, -3, -4 और ये भी ऋण अनंत तक अग्रसर होगा। इसके साथ साथ दो चार शब्द आपको अच्छे से जानने हैं, हम कहते हैं ऋणेतर पूर्णांक, तो ऋणेतर पूर्णांकों से हमारा आशय क्या होगा। अगर आपको कह दिया जाए कि ऋणेतर पूर्णांक बताइए, तो आप क्या कहेंगे, ऋणेतर पूर्णांक से हमारा आशय है कि ऋण वाली पूर्णांक संख्याओं को छोड़ने पर जो पूर्णांक संख्याएं प्राप्त होंगी वो सबके सब। तो ऋणेतर पूर्णांक कौन हो गए, 0, 1, 2, 3 और ये क्रम चलता जाएगा। इसी तरह से धनेतर पूर्णांक से हमारा आशय क्या होगा, धनात्मक पूर्णांक संख्याओं को छोड़ दो और शून्य से प्रारंभ करते हुए ऋणात्मक दिशा की ओर अग्रसर होते चले जाते हैं, अर्थात 0, -1, -2, -3 और ये क्रम इस दिशा में चलता चला जाता है। तो इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी, कई बार हमने क्यों नहीं कहा कि धनात्मक पूर्णांक संख्या है, हमारे पास ऐसी स्थितियां आएंगी जब हमको संख्या शून्य भी चाहिए होगी, तो हम ऐसी दशा में अगर ऋणेतर पूर्णांक कह देंगे तो शून्य खुद ब खुद सम्मिलित हो गया, क्योंकि शून्य एक ऐसी संख्या है जो ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक। तो ये हमारे पास ऋणेतर पूर्णांक संख्या है, ये हमारे पास धनेतर पूर्णांक संख्या है। प्यारे बच्चों, ये सब आप काफी कुछ इसके बारे में जानते हैं। अब संख्याओं का जो आपका वर्तमान कक्षा का स्तर है, आपसे ये अपेक्षा रहेगी कि आप परिमेय संख्याओं को अच्छे से समझें। परिमेय संख्याएं जिनको कि हम रैशनल नंबर्स कहते हैं, अंग्रेजी में हम परिमेय संख्याओं को रैशनल नंबर्स कहते हैं, लेकिन इनको व्यक्त करने के लिए संकेत क्यू का प्रयोग करते हैं, इनके समूह को व्यक्त करने के लिए संकेत क्यू का प्रयोग करते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि परिमेय संख्या का अगर रैशनल नंबर शब्द है तो संकेत आर क्यों नहीं, उसका कारण ये है कि ये परंपरागत है, क्यू फॉर क्वोशेंट, कहीं ना कहीं वो रेशियो से संबंधित है, क्वोशेंट शब्द जो है वो कहीं ना कहीं रेशियो से संबंधित है, और ये क्वोशेंट का पहला अक्षर क्यू है, तो ये परंपरा है कि परिमेय संख्याओं के समूह को हम क्यू से व्यक्त करते हैं। तो परिमेय संख्याओं की परिभाषा, इसकी समझ आपको बहुत अच्छे से होनी चाहिए। मैं यहाँ पर एक संक्षिप्त परिभाषा लिख रहा हूँ, आप में से कई अच्छे विद्यार्थी इसको भलीभांति जानते भी हैं, लेकिन आज हम उसकी अच्छी समझ बनाएंगे। क्या है परिमेय संख्याएं, वे संख्याएं जिन्हें P बटा Q के रूप में व्यक्त किया जा सके, P तथा Q
पूर्णांक हैं एवं क्यू का मान शून्य के बराबर नहीं है। इसको हम इस तरह से पढ़ते हैं, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। क्यू कुछ भी हो सकता है, कोई भी पूर्णांक हो सकता है, मगर क्यू शून्य नहीं है। अर्थात परिमेय संख्याओं की एक बहुत सरल बहुत आसान परिभाषा क्या हो गई, वे संख्याएं जिन्हें पी बटा क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सके, जहां पी और क्यू पूर्णांक संख्याएं हैं एवं क्यू कुछ भी पूर्णांक हो सकता है, केवल शून्य नहीं, शून्य से इतर कोई भी पूर्णांक संख्या क्यू हो सकती है। तो उदाहरण के लिए जो भी भिन्नें आपने सीखी हैं वो सबके सब क्या है, परिमेय संख्या है। जैसे हम कह दें 1/2, 4/6, -3/7, 1/1, ये कुछ भी हो सकती है, हमारे पास अनंत परिमेय संख्याएं हैं। एक और रोचक बात आपको संख्याओं के बारे में बता दूं, जब हम इनको इस क्रम में लिखते हैं तो हम ये पाते हैं कि पूर्ण संख्याओं के समूह में, अगर हम इसको एक बैग मान लें, एक बैग जिसके अंतर्गत आपने ये पूर्ण संख्याओं को डाला हुआ है, तो इस बैग के अंतर्गत आपकी प्राकृत संख्याएं खुद ब खुद आ जाएं, यानी कि अगला जो समूह है उसमें पिछला समूह धारण किए हुए है। देखिए आप, पूर्णांक संख्याओं के अंतर्गत सभी पूर्ण संख्याएं सम्मिलित है, पूर्णांक संख्याओं के अंतर्गत सभी प्राकृत संख्याएं सम्मिलित है, इसी क्रम में परिमेय संख्याओं के अंतर्गत सभी पूर्णांक संख्याएं सम्मिलित हैं, परिमेय संख्याओं के अंतर्गत सभी पूर्ण संख्याएं सम्मिलित हैं, और ये क्रम चलता जाएगा। यानी कि जो पिछला समूह संख्याओं का हमने पढ़ा है वो हर अगले समूह के अंदर धारित किए हुए, उसी के अंतर्गत है, उसी थैले में, उसी बैग में। अगर मैं मान लूं कि हमारे पास परिमेय संख्याओं का एक बड़ा सा बैग है जिसमें हमने सारी परिमेय संख्याएं डाल दी हैं, तो उसमें सभी पूर्णांक संख्याएं, सभी पूर्ण संख्याएं, सभी प्राकृत संख्याएं। अब आपके दिमाग में ये प्रश्न आ सकता है कि हमारा दो किस प्रकार से, एक प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्णांक संख्या है, लेकिन परिमेय के रूप में हम इसको कैसे लिखें। तो देखिए, हम 2 को 2/1 लिख सकते हैं। तो जो अभीष्ट रूप मेरा था जिसमें हमने कहा था कि हम एक, हमने आपके सामने लिखा 2, हम इसको परिमेय रूप में लिखना चाहते हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 बराबर 2/1। अब आप देखिए, इसने पी बटा क्यू का रूप धारण कर लिया। आगे चल करके हम परिमेय संख्याओं में अद्वितीयता के संबंध को भी समझें, जब हम उसकी संख्या रेखा से तुलना करेंगे। तो जब हम एक अद्वितीय परिमेय संख्या की बात करेंगे तो हमारा आशय उस परिमेय संख्या से होगा जिसमें पी और क्यू सह अभाज्य संख्याएं हैं। बच्चों, सह अभाज्य शब्द भी आपने पिछली कक्षाओं में सीखा है, अगर आपको ध्यान नहीं है तो मैं आपको पुनरावृत्ति करा देता हूं इसकी। सह अभाज्य संख्याएं किस प्रकार की संख्याएं हैं, संख्याओं का वर्गीकरण हमने भाज्य और अभाज्य के रूप में किया है, भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं, पहले अभाज्य संख्याओं की बात करेंगे कि जो प्राकृत संख्याएं थी उनमें वे संख्याएं जो जिनके केवल दो ही गुणनखंड है, अर्थात एक वो संख्या स्वयं और एक एक। तो ऐसी कौन कौन सी संख्याएं होती हैं भाई, निश्चित रूप से 2, 3, 5 और 7, 11, 13, 9, क्यों नहीं, निश्चित रूप से 9, 9 के साथ 3 और अन्य संख्याओं से भी एक। 9 के कितने भाजक हैं देखिए आप, एक तो 9 स्वयं, एक एक स्वयं, और एक कौन सा भाजक हो गया, 3, तो इसके 3 भाजक हो गए। जबकि अभाज्य संख्याओं का एक गुण क्या है कि इनके केवल और केवल दो ही भाजक होते हैं, एक संख्या एक और एक वो संख्या स्वयं। तो अभाज्य संख्याएं कौन सी आ गई, सभी प्राकृत संख्याओं में से इनको अगर छोड़ दें तो वो सभी संख्याएं हमारी भाज्य संख्या के अंतर्गत आ जाएंगी, है ना। तो इसमें कौन सी संख्याएं होंगी भाई हमारी, जैसे हम 4 और 4 के अलावा 6, 8, 9, और ये क्रम चलता चला जाएगा। अब एक जो शब्द यहां पर आया वो था सह अभाज्य। अब सह अभाज्य से हमारा, इनसे थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना आपने, इससे आपने सह अभाज्य का क्या आशय है, सह अभाज्य का आशय ये है कि वो दो संख्याएं जो हमने लिखी हैं उनमें
वो परस्पर और कट के छोटे रूप में नहीं आ सकती, उसमें अन्य किसी संख्या से वो विभाजित नहीं हो सकती। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे 4/5, अब आप देखेंगे कि 4/5 रूपी जो भिन्न है या जो परिमेय संख्या है, इसमें ये अंश है और ये हर, ये सब आप जानते हैं अच्छे से। तो लेकिन ये हमारे पास 4/5 में 4 को अगर हम पृथक से देखें तो ये भाज्य संख्या है, 5 अभाज्य संख्या है। लेकिन 4/5 में जो P और Q आए हैं, अर्थात अंश और हर आए हैं, वो सह अभाज्य है, ये किसी भी संख्या से काटे नहीं जा सकते। अगर मैंने यहां पर 8/10 लिख दिया होता मान लीजिए, तो ये आसानी से कट सकते हैं, 2 से भाज्य है भाई 8, 2 चकू 8, 2 पंजा 10, तो ये किसके बराबर आ गया, 4/5 के बराबर। तो अद्वितीयता के संबंध सिद्धांत की मैं बात कर रहा था, अर्थात जब हम एक संख्या को एक उसके विशिष्ट रूप की मैं बात कर रहा हूं, तो जब इस तरह के रूप में लिखेंगे तो उसको हम इस प्रकार व्यक्त करने की कोशिश करेंगे। इसको आगे के टॉपिक्स में और अच्छे से आपको बताएंगे कि हमने P/Q के रूप में जो लिखा है वो P/Q उसका सूक्ष्मतम रूप है, यानी फिर उसको हम काट के और छोटे रूप में नहीं लिख सकते। आज हम एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको आता है, और पिछली कक्षाओं में भी आपने ये किया है, कि कैसे हम दो परिमेय संख्याओं के मध्य, 1, 2, 3, 4, कितने भी परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। तो आज हम इस पर खूब अभ्यास करेंगे, दो परिमेय संख्याओं के मध्य, दो परिमेय संख्याओं के मध्य परिमेय संख्याएं ज्ञात करना, परिमेय संख्याएं ज्ञात करना, ये बड़ा रोचक विषय है। आप देखिएगा कि जब हम दो परिमेय संख्याएं लेंगे तो इनके मध्य हम असंख्य परिमेय संख्याओं को ज्ञात कर सकते हैं, ये एक बड़ा रोचक विषय है। इसीलिए उदाहरण के लिए अगर आपके पास एक परिमेय संख्या है 1/2, दूसरी परिमेय संख्या है 3/4, और आपसे ये उम्मीद की जा रही है कि आप इन दोनों परिमेय संख्याओं के मध्य एक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। मैंने आपको बताया है कि इनके मध्य कितनी परिमेय संख्याएं हैं, अनंत परिमेय संख्याएं हैं, तो हम इनके मध्य एक परिमेय संख्या आसानी से निकाल सकते हैं। अगर एक की बात करें तो आप इसमें जो औसत है, औसत के नियम का हम इसमें प्रयोग कर सकते हैं। औसत क्या है, जैसे आपको बताया जाता है कि एक संख्या ए एक संख्या बी, तो ए और बी के बीच पड़ने वाली संख्या आप कैसे निकाल सकते हैं, a+b कर दीजिए और उसको 2 से भाग दे दीजिए, ए और बी का औसत ले लीजिए, a+b/2। तो 1/2 और 3/4 के बीच पड़ने वाली संख्या हम इसी प्रकार कैसे निकाल सकते हैं, 1/2 + 3/4, और इसको विभाजित कर दें हाफ, इसका आधा कर दें भाई, तो देखिए क्या आता है, 1/2, 2 और 4 का आपने लॉस ऑफ लिया 4, 2 2 4, 2 1 2, ये सब आपको अच्छे से आता है, 4 एकम 4, 3 एकम 3, और 3 और 2 5, 5/4 2 8। तो 5/8 जो संख्या आई वो 1/2 से और 3/4 के मध्य अवस्थित है। अब आपके पास क्रम से ये संख्याएं हो गई 1/2, 5/8, 3/4, है ना। अगर आपसे ये अपेक्षा है कि आप और भी परिमेय संख्याएं निकालें, तो आप इनके मध्य इसी तरीके से और एक परिमेय संख्या निकाल सकते हैं, इनके मध्य एक परिमेय संख्या निकाल सकते हैं, लेकिन यह तब अव्यवहारिक सा हो जाता है यदि आपको इन दो संख्याओं के मध्य काफी ज्यादा, आपको 8, 10, 6, 7 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो ऐसी दशा में हमारे पास कोई अच्छी विधि ऐसी हो कि जिससे हम कम समय में उनको ज्ञात कर सकें, जैसे मैंने कहा इसमें 3 1 निकली, ऐसे इनके बीच एक एक इनके बीच, फिर यही क्रम चलता जाएगा, लेकिन इससे क्या होगा, हमारा अधिक समय का नुकसान होगा। तो एक मैं आपको एक अच्छा सा उदाहरण हल करके दिखाता हूं कि किस तरह से हम दी गई दो परिमेय संख्याओं के मध्य एक परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हमारे पास एक संख्या है 5 और एक संख्या है 6, एक उदाहरण है, मैंने 5 जो कि पूर्णांक भी है, साथ ही साथ प्राकृत संख्या भी है, पूर्ण संख्या भी है, और एक परिमेय संख्या भी है, क्योंकि मैं 5 को क्या लिख सकता हूं, 5/1, 6 को क्या लिख सकता हूं, 6/1, तो दोनों के दोनों ये निश्चित रूप से परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है, और इनके बीच अगर मुझसे कहा जाए कि आप 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, यानी हमारा प्रश्न क्या है, 5 व 6 के मध्य
परमेय संख्याएं ज्ञात करना, पांच परमेय संख्याएं ज्ञात करना। पांच और छह के मध्य हमको पांच परमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, तो हम क्या कर देते हैं, इनको दोनों को इस रूप में व्यक्त कर देते हैं। और इसके साथ साथ अब देखिए, इसमें थोड़ा सा हम यहां पर अभ्यास करेंगे। अगर हमको पांच संख्याएं ज्ञात करने के लिए कहा गया है, तो हम पांच में एक जोड़ देते हैं। एक सरल तरीका है, पांच और एक जोड़ के हो गया छह। अब हम इस भिन्न का हर छह बनाने की कोशिश करेंगे, इस भिन्न का हर भी छह बनाने की कोशिश करेंगे। और हर छह कैसे बनेगा भाई? ऐसा तो नहीं कि आप एक को केवल छह से गुणा कर लीजिए तो बात बन गई। हम इसके अंश को भी छह से गुणा करेंगे और हर को भी छह से गुणा करेंगे। अर्थात हमने यहां पर एक से गुणा किया, और एक से गुणा करने के पश्चात परिमेय संख्या पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार इसको भी हम छह और छह से इसके अंश और हर को गुणा कर लेते हैं। अब हमारे पास जो संख्याओं का स्वरूप है वो किस प्रकार आ गया, 5 6 30, 6 1 6, 30/6। और ये देखिए ये क्या बन गया, 6 6 36 और 6 1 6। तो अब इन दोनों का हर समान हो गया है। अब हम क्रमागत इसका अंश बढ़ाते जाएं, 31/6, 32/6, 33/6, 34/6, 35/6 और 36/6। तो आपने देखा कि इस तरह से हमने इन दो दी गई संख्याओं के मध्य, पांच और छह के मध्य, कितनी परिमेय संख्याएं हमने ज्ञात करनी थी, पांच। तो हमने इस सरल विधि से उनके बीच पांच परिमेय संख्याएं ज्ञात कर दी। आप इसी प्रकार के बहुत सारे उदाहरण स्वयं हल कर सकते हैं। ये मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि आप घर में अधिक से अधिक इस पर अभ्यास करें। और परिमेय संख्याओं के बाद जो अगला हमारा टॉपिक होता है वो होता है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं अर्थात इनको हम कहते हैं रियल नंबर्स। तो परिमेय संख्याओं से बड़ा समूह संख्याओं का वास्तविक संख्याओं का है। अब वास्तविक संख्याओं को हम दो वर्गों में बांटते हैं, एक जिसकी चर्चा अभी हमने की रियल नंबर्स को। हाँ एक बात स्पष्ट कर दूं, इसके लिए हम संकेत आर का प्रयोग करेंगे। वास्तविक संख्याओं को व्यक्त करने के लिए हम संकेत आर का प्रयोग करेंगे। और वास्तविक संख्याओं को हम दो वर्गों में बांट सकते हैं, एक परिमेय संख्याएं जैसा अभी हमने पढ़ा परिमेय संख्याएं, और बहुत सारी ऐसी भी संख्याएं हैं जो संख्याएं परिमेय नहीं है लेकिन वो वास्तविक है, वो संख्याएं कहलाती हैं अपरिमेय संख्याएं। तो अपरिमेय संख्याओं की एक संक्षिप्त परिभाषा आप परिमेय संख्याओं के आधार पर बना सकते हैं, क्योंकि मैंने कहा अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं जो परिमेय नहीं है, अर्थात जिन संख्याओं को p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, तो वो कैसी संख्याएं कहलाएंगी, अपरिमेय संख्याएं। तो प्यारे बच्चों, इस टॉपिक को अब हम अगले सेशन में लेंगे। मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि आज आप परिमेय संख्याओं को ज्ञात करने के विभिन्न समस्याओं पर, जो आपके पाठ्य पुस्तक से संबंधित हो, आपके पास अन्य पुस्तकें हो सकती हैं उनसे संबंधित हो, उन प्रश्नों का आप खूब अभ्यास करें, क्योंकि बिना अभ्यास के आप अच्छे से गणित को नहीं सीख सकते। तो अपरिमेय संख्याएं और इनके गुणों पर हम अगले सेशन में बात